सबसे पहले हमें वो क्रम लेनी होगी आप कितने भी साइज की काट सकते हैं। हमने 16 इंच की ली है और यहाँ से कैंची से काट लेते हैं। उसके बाद में हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। अच्छे से मोड़ने के बाद में नाखून मार लेते हैं इसके और नाखून लगाने के बाद में अच्छी तरह से नाखून लगा लेते हैं। और अब हम इसको इंची टेप की सहायता से 8 इंच पर निशान लगाते हैं। 8 इंची है ये और हम अब नीचे से 1 इंची 1 सूत यहाँ लेते हैं। आगे भी हम 1 इंची 1 सूत लेते हैं और इससे आगे भी 1 इंची 1 सूत लेते हैं। उसके बाद में हम 4 इंची पर निशान लगाते हैं और आगे से जहाँ हमने 1 इंची 1 सूत लगाया था निशान उससे ऊपर लगाना है 1 इंच 1 सूत। उसके बाद में हमको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। उसके बाद चार इंची यहाँ से और यहाँ तक 2 इंची पर निशान लगाना है और 2 इंची के निशान लगाने के बाद में यहाँ से 1.1 लगाना है। उसके बाद में चार से 2 के बीच में ऐसे 1 इंची का निशान लगाना है और 1 इंची के निशान के बाद में यहाँ से 1.1 लेना है। उसके बाद में हमको पेन की सहायता से अच्छी तरह से गोलाई देनी है। अच्छी तरह से गोलाई पेन से देनी है और यहाँ से भी अच्छी तरह से गोलाई देनी है। और आगे से ऐसा पेन की सहायता से घुमाव देना है ऐसे लगभग आधा इंची दूर ऐसे पेन से अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद में यहाँ से कैंची से काट लेना है। अच्छी तरह से कैंची से काट लेना है। इसको ऐसे घुमा लेना है और घुमाने के बाद में कैंची की सहायता से यहाँ पर धीरे धीरे जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ पर काट लें। उसके बाद में ये नोक है तो इस नोक को हम कैंची से गोलाई से अच्छी तरह से यहाँ से गोलाई लेते हुए काटेंगे। आपको जितनी गोलाई लेनी है वो ले सकते हैं
जैसा भी यहाँ रखना चाहते हो आप उसी प्रकार से ये रख सकते हो। सिंपल रखना चाहते तो सिंपल, और वैसे रखना चाहते तो वैसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। ठीक है।